हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी कला है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भील्स ट्राइब के बारे में, जो कि गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में डोमिनेंट है। ठीक है, हर ट्राइब की तरह हम लोग इसमें इनका लोकेशन, फिजिकल फीचर, सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी और इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पहले भी मैंने बहुत सारी ट्राइब्स के बारे में डिस्कशन किया है डिटेल में, जैसे कि गोंड्स, नागा, थारू, ठीक है, और बुशमैन, मसाई, ठीक है, इस्किमो, इन सब के बारे में वीडियोज़ पढ़े हैं। आपको अगर ज़रूरत है तो आप उसको भी देख सकते हैं, और आगे भी मैं पहले इंडियन की बहुत सारी ट्राइब्स को डिस्कस करूंगा। और अगर आपको उस पूरे कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और लोकेशन देखते हैं। सो बेसिकली भील्स का मतलब क्या होता है? भील्स पहली बात तो पाए जाते हैं कहाँ पर? राजस्थान और गुजरात एरिया में ये डोमिनेंट है। ठीक है, और भील का मतलब होता है बोमैन। बो मतलब धनुष। ठीक है, ऐसे लोग जो धनुष यूज़ करते थे या यूज़ करते हैं उनको हम लोग भील्स बोलते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्राइबल ग्रुप है इंडिया के। बहुत बड़ी ट्राइब है इंडिया में और इंडिया में इनकी काफ़ी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। इंडिया की ये लार्जेस्ट ट्राइब है और साउथ एशिया की भी ये लार्जेस्ट ट्राइब मानी जाती है। और भील जो है इंडिया में दो ग्रुप्स में पाई जाती है। ठीक है, जो पहली भील ग्रुप है दैट इज़ सेंट्रल और प्योर भील्स। ठीक है, और जो दूसरी भील ग्रुप है दैट इज़ ईस्टर्न और राजपूत भील्स। जो हमारे सेंट्रल भील्स हैं, ठीक है, वो माउंटेनस रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन चार स्टेट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और जो राजपूत भील्स हैं या जो ईस्टर्न भील्स हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से पाए जाते हैं, स्पेशली त्रिपुरा स्टेट में। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ये कंसंट्रेशन है? तो पंचमहल एंड वडोदरा इन गुजरात, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुले, जलगांव, नासिक इन महाराष्ट्र, धार, झाबुआ, खारगांव एंड रतलाम इन मध्य प्रदेश, एंड बंसवारा, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगारपुर, कोटा एंड उदयपुर इन राजस्थान। और ये जो भील ट्राइब्स हैं इनका काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस है हिंदू माइथोलॉजी में, पुराणास में, महाभारत में भी और रामायण में भी। ठीक है, और हिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा रूलर्स यहाँ पर रूल करते थे, जैसे धुंगारिया धुंगारपुर से, बंसिया बंसवारा से, कोटिया कोटा से एंड देवा फ्रॉम उदयपुर। और ज़्यादातर ये सदर्न राजस्थान के एरिया में रूल करते थे। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में कि ये वन ऑफ द मोस्ट या मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोल्जर्स और वॉचमैन की तरह इनको ट्रीट किया जाता था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा लॉज को मानने वाले और लॉज की कदर करने वाले लोग ये हैं। और लोग हिस्ट्री में भी इनके बारे में ऐसा कुछ लिखा गया है। सो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो वेस्टर्न भील्स हैं, यानी कि जो सेंट्रल भील्स हैं, जो कि गुजरात राजस्थान वाले एरिया में रहते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उन्हीं की ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है इंडिया में। ठीक है, सो अगर मैप पर देखें इनकी लोकेशन, तो हम लोग देख सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पोर्शन में, जो डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है भील पॉपुलेशन की। ठीक है, और कुछ कुछ पॉपुलेशन बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी देखी जाती है। ठीक है, और त्रिपुरा में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भील पॉपुलेशन दिखाई पड़ रही है। ओके, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में। तो जनरली हम लोग ने देखा कि भील जो हैं ये माउंटेन्स वाले एरिया में रहते थे। ठीक है, जो वेस्टर्न राजस्थान या वेस्टर्न पार्ट में अरावली, विंध्याज, सतपुरा, ये तीन रेंजेस हैं, इसके आसपास या इन माउंटेन्स पर ये भील ट्राइब रहती है या रहती थी। और ज़्यादातर ये आइसोलेशन में रहते थे। ठीक है, ज़्यादा घुल मिल के नहीं रहते थे, दे लिव्ड इन आइसोलेशन। इन जहाँ पर रहते हैं इनका क्लाइमेट मानसूनिक है, जैसे इंडिया क्लाइमेट मानसूनिक है, वैसे यहाँ पर ही मानसूनिक क्लाइमेट पाया जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर इनका जून में और लोवेस्ट टेम्परेचर इनका जनवरी में पाया जाता है, जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया में भी देखा जाता है। मिड जून टू सेप्टेम्बर से में यहाँ पर मानसून से रेनफॉल होती है अरेबियन सी ब्रांच से। ठीक है, जब मानसून स्ट्राइक करता है इंडिया में तो वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो इस पूरे एरिया में, भील के ट्राइबल एरिया में, ज़्यादातर रेनफॉल किसकी वजह से होती है? अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इनकी पूरी टेरिटरी का 30% ऑफ जो लैंड है वो फॉरेस्टेड है, लेकिन फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, डेन्यूडेड हिल्स, इरोडेड सॉइल्स एंड रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं फॉर द पॉपुलेशन ऑफ भील्स। सो ये तो बात की उन्होंने फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में कि पहाड़ी इलाके पे रहते हैं। ठीक है, और जनरली इनका क्लाइमेट क्या होता है? मॉनसूनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट इट्स इज फाउंड हियर इन देयर टेरिटरी। सो इसके बाद हम लोग सोसाइटी, कल्चर और इकोनॉमी देखते हैं। सबसे पहले अगर रिलीजन के बारे में डिस्कस करें भील सोसाइटी का, तो रिलीजन क्या है? हर जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस इनका रिलीजन डिफरेंट रहता है, डिफर करता है। ठीक है, लोकल डेटीज जैसे खांडोबा, कान्होबा, भैरोबा और शीतल माता, इन सब ये लोकल डाइटीज़ हैं जिनको प्रैक्टिस, इन जिनकी पूजा ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे भील्स एक टाइगर गॉड जिसको वाघ देव बोलते हैं, उनको पूजा करते हैं।
ये लोग जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास में ये लोग विश्वास करते हैं, ठीक है। और ये बाडवास एक इनके यहाँ होते हैं, बाडवास द हेरिडिटरी सॉर्चरर्स, जिनसे ये कंसल्ट करते हैं हर ओकेशंस पे, ठीक है। जितने भी इवेंट्स होते हैं उस पर ये बाडवास से कंसल्ट करके तब काम करते हैं। और इनकी ट्राइब में भगत्स और गुरुज भी होते हैं जो कि रिलीजियस राइट्स को परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ इनकी ट्राइब में शमंस भी देखे जाते हैं, जो कि मैंने जैसे बताया सुपरस्टिशियस होते हैं तो शमंस भी देखे जाते हैं। इनके विलेज का एक हेडमैन होता है जो कि जितने भी दंगे होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सुलझाता है या उनको डील करता है। बील्स स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हिस्ट्री में लिखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा लॉ अबाइडिंग थे, बहुत ही ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अपने ही क्लास में जनरली ये लोग शादी करते हैं, ठीक है। देयर क्लोज रिलेशनशिप्स आर टाइटली बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट। काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी रिच इनकी कल्चरल हिस्ट्री है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये डांस और म्यूज़िक को देते हैं। भील्स का जो म्यूज़िक और डांस का फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। इसमें से एक घूमर जो आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस डांस है, ठीक है, भील्स का ही, इन्हीं लोगों का कल्चरल डांस है भील्स ट्राइब का। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्राइब्स के बारे में और जानना, सो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, इनके काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं डांस के, सेलिब्रेशंस के, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो घूमर इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस डांस फॉर्म है। इनका एक रिलीजियस डांस होता है, इसका नाम होता है थनगैर, ठीक है। और श्रवण के मंथ में, यानी कि सावन के महीने में, डेट इज जुलाई एंड अगस्त के महीने में ये प्रैक्टिस किया जाता है, और ये मेन परफॉर्म करते हैं, इट इज़ परफॉर्म बाय मेन। भील्स जो है एक काफ़ी नंबर ऑफ पेट्रीलिनियल एक्सोगेमस ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं और क्लैंस। पेट्रीलिनियल मतलब पितृवंशीय, मतलब यहाँ पर फादर का जो हेयर होता है वो सन होता है, ठीक है, और सिमिलरली ये आगे फॉलो होता है। और एक्सोगेमस का मतलब होता है कि अपने ग्रुप या अपने क्लैन के बाहर भी ये शादी कर सकते हैं, बट क्लास इनका सेम रहता है, ठीक है। अपने ही क्लास में शादी करते हैं लेकिन ग्रुप या क्लैन चेंज हो सकता है। एक्सोगेमस मतलब ऐसे लोग जो अपने ग्रुप या क्लैन के बाहर भी शादी करते हैं, और एंडोगेमस वो लोग होते हैं जो अपने ही ग्रुप या क्लैन के अंदर ही शादी करते हैं, विद इन देयर ग्रुप और क्लैन। और भील ट्राइब में हर क्लैन को या हर वंश को एक नाम दिया जाता है, ठीक है, और उसका नाम जनरली एक प्लांट या एक एनिमल से रिलेटेड होता है, या उसके मतलब किसी प्लांट के एनिमल के नाम पर एक क्लैन का नाम रखा जाता है। और ये माना जाता है कि जिसके नाम पर, मतलब जिस भी प्लांट या एनिमल के नाम पर उस क्लैन का नाम रखा गया है, उस क्लैन का ओरिजिन जो हुआ है वो उसी प्लांट या एनिमल से थ्रू हुआ होगा, मतलब वही प्लांट या एनिमल उनके एंसेस्टर्स होंगे। उसके बाद जो ट्राइब है वो नंबर ऑफ क्लैन में सब डिवाइडेड होता है, ये हमने बताया आपको, और हर क्लैन का एक कॉमन डिसेंट होता है, मतलब एक पर्टिकुलर जो एंसेस्टर है वो होता है, ओके। और एक्सोगेमी प्रैक्टिस करते हैं, मैंने आपको बताया। हर क्लैन का एक टोटेम होता है, यहाँ पर एक टोटेम वर्ड है, इसको आप समझिएगा। ट्राइब्स या नेटिव पीपल में एक टोटेम का कॉन्सेप्ट होता है। टोटेम वो चीज़ होती है, मतलब एक सिंबल या एबलम होता है, ऐसा सिंबल, वो सिंबल प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कोई स्पिरिट भी हो सकती है, कोई गॉड भी हो सकता है। सो वो टोटेम क्या करता है, वो टोटेम उस पर्टिकुलर क्लैन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट यहाँ पर टोटेम का कॉन्सेप्ट होता है, हर एक क्लैन का एक टोटेम होता है जो कि प्लांट, ट्री या एनिमल हो सकता है। और एक पर्टिकुलर क्लैन, मान लीजिए एक किसी पर्टिकुलर क्लैन का एक टोटेम है पीपल का पेड़, ठीक है, तो जब भी कोई पूजा होगी या कोई भी डिफ़िकल्टी होगी या कोई भी सेरेमनी होगी, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम या अच्छा हो या बुरा चीज़ हो, उसमें, उस प्रॉब्लम में या उस सेलिब्रेशन में उन टोटेमिक गॉड को बुलाया जाता है, या गॉडेस या गॉड जो भी हैं, टोटेमिक गॉड, उनको बुलाया जाता है, गॉट इट, या उनको इन्वोक किया जाता है। मैरिज जो होती है वो सेक्रमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। भील्स के लिए जो शादी है वो इसलिए होती है बिकॉज जो मेल और फीमेल है वो बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, मैच्योरिटी आ गई, इस वजह से उनकी शादी होनी चाहिए, नॉट अ सेक्रेट पर्पस, ओके। और जो भील्स ट्राइब है ये सबसे ज़्यादा, जो मेजॉरिटी ऑफ भील्स पॉपुलेशन है दैट इज़ एग्रीकल्चरिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा भील पॉपुलेशन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, और जिसकी वजह से इनको वाइफ और बच्चों की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर में उनकी हेल्प ले सकें और काम आगे बढ़ा सकें। जो शादी है, चाहे यंग भील की हो चाहे ओल्ड भील की हो, उसके पास वाइफ होनी चाहिए, मतलब शादी हो रखी होनी चाहिए। और शादी या तो अरेंज मैरिज के थ्रू होती है या भाग करके, मतलब इलोपमेंट से। अब भाग के शादी क्यों होती है, बिकॉज़ जो मतलब काफ़ी सारे जो भील्स हैं वो गरीब हैं, ठीक है, और यहाँ इनके कल्चर में क्या होता है, ब्राइड प्राइज देना पड़ता है, ठीक है, मतलब जो मेल होता है उसको फीमेल, मतलब जो कि
फादर होता है फीमेल का, उसको फीमेल का ब्राइड प्राइज देना पड़ता है। सो जो गरीब भील होते हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, इस वजह से वो भाग जाते हैं या लड़कियाँ भाग जाती हैं, ठीक है, और शादी कर लेती हैं। विडो मैरिज इज़ इन वोग, मतलब विडो रीमैरिज की को एक्सेप्ट किया जाता है इनके, मतलब अलाउड है, ठीक है। और मॉर्निंग पीरियड ख़त्म हो जाता है जब हस्बैंड का, तब ही विडो शादी कर सकती है, ठीक है। एंड भील्स प्रैक्टिस पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब एक एक मेल की एक से ज़्यादा वाइफ्स हो सकती हैं, ठीक है। सो दे प्रैक्टिस पॉलीगैमी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ वाइफ के बारे में, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर पॉलीगैमी प्रैक्टिस होती है, मतलब एक हस्बैंड के ज़्यादा वाइफ हो सकती हैं। सो यहाँ पर प्रेफरेंस की बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जो वाइफ का स्टेटस और पोजीशन होता है वो डिसाइड होता है कि हस्बैंड उसको क्या प्रेफरेंस देता है, ठीक है। जनरली अगर सीनियर है, मतलब सबसे पहली वाइफ है, सो उसको ज़्यादा अच्छा स्टेटस मिलता है फैमिली में। और कोई भी रिचुअल फैमिली में जो सीनियर मोस्ट वाइफ होती है उसके बिना कोई भी रिचुअल नहीं हो सकता। इनफैक्ट बर्थ से लेकर डेथ तक जितने भी राइट्स एंड रिचुअल्स होते हैं फैमिली में वो उसी को करने होते हैं, गॉट इट। सो अगर बात करते हैं खाने की, तो भील्स का मेन फूड है दैट इज़ मेज़, यानी कि मक्का। वीट को स्पेशल ओकेशंस में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ राइस को भी ये लोग फेस्टिवल्स में या सेरेमनीज़ में यूज़ करते हैं। कूरा, कोडरा, बट्टी, संगली, कोरांग एट्सेट्रा, ये सब खाने की तरह यूज़ होते हैं। रोटी ऑफ मेज़, मतलब मेज़ की जो मक्के की रोटी होती है उसको ये लोग सोगरा कहते हैं, और चटनी और ग्रीन चिली के साथ खाते हैं। कर्ड लस्सी यानी कि दही की लस्सी बहुत ही फेमस है, एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ देयर डाइट। अगर इनके क्लोथ्स की बात करें तो वुमेन जो हैं ट्रेडिशनल साड़ीज पहनते हैं, और जो मेन हैं यानी कि आदमी हैं वो लूज़ लॉन्ग फ्रॉक पहनते हैं विद पैजामा। टर्बन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट, टर्बन मतलब पगड़ी, पगड़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और पीजेंट्स और जो मेल्स होते हैं वो पगड़ी या टर्बन भी पहनते हैं। साथ ही साथ जो भील्स होते हैं वो ब्रास के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, गॉट इट। भील जनरली टॉल, वेल बिल्ड विद हैंडसम फीचर्स होते हैं, बहुत ही सच्चे, ट्रुथफुलनेस और सिंप्लिसिटी का के लिए जाने जाते हैं। एंड दे लव इंडिपेंडेंस, ओके। उनका जो नेशनल वेपन है बहुत ही बहादुर होते हैं, साथ ही साथ जो उनका नेशनल वेपन है दैट इज़ बो, ठीक है, वो बैम्बू से बना होता है। पहले वो हंटिंग करते थे और बहुत ही कमाल के हंटर्स हुआ करते थे, बट अब ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं एज ए सोर्स ऑफ लेवलीहुड। अगर इनकी भाषा की बात करें तो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से इनकी भाषा बिलोंग करती है, दैट इज़ भीली, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यही बोली जाती है अमंग द भील ट्राइब्स इन इंडिया। जैसे कि मैंने पहले बताया जो मेन इनकम ऑफ भील है दैट इज़ सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है। पोल्ट्री फार्मिंग एंड लेबर इज ऑल्सो अदर सोर्स ऑफ इनकम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि डांस और म्यूज़िक का इनको बहुत शौक होता है, और हर ओकेजन में ये डांस प्रैक्टिस करते हैं, हर ओकेजन में डांस और सॉन्ग करते हैं। होली में बहुत सारे डांस परफॉर्म करे जाते हैं, और दिवाली की शाम को मेन जो होते हैं वो वुमेन की तरह ड्रेस होकर के बहुत ही अच्छा सा डांस ये लोग परफॉर्म करते हैं। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। कभी आप देखिएगा यूट्यूब पर जा करके इनकी वीडियोज़, तो बहुत ही बढ़िया होती है, अच्छा लगता है इनको देख करके। अब बात करते हैं इनकी राइट्स ऑफ पैसेजेस के बारे में। राइट्स ऑफ पैसेजेस बेसिकली, जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि जो मरने के बाद क्या होता है, क्या ये लोग बिलीव करते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो भील से बिलीव करते हैं जब डेथ आने वाली होती है घर के अंदर, ठीक है, तब एक क्रीकिंग साउंड सुनाई पड़ती है जिसको ये लोग जोरिंग पडस बोलते हैं, ठीक है। और जब ये आवाज़ सुनाई पड़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि डेथ आ रही है किसी को लेने के लिए घर से, मतलब किसी की डेथ होने वाली है घर में, ठीक है। इसके अलावा जब किसी की डेथ होने वाली होती है तब एक चिड़िया की आवाज़ भी या चिड़िया भी देखी जाती है छत के ऊपर, ऐसा भील्स लोग कंसिडर करते हैं। आफ्टर द डेथ टेक्स प्लेस रिलेशंस एंड फ्रेंड्स गैदर अराउंड एंड ईच पोर्स अ लिकर इनटू द डेड मैंस माउथ सेइंग। जब भी डेथ हो जाती है तो जितने भी लोग हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब आ करके जो मरे हुए आदमी होता है उसके माउथ में कुछ लिकर यानी कि शराब को थोड़ा सा पोर करता है और बोलता है ड्रिंक माय शेयर, मतलब मेरा हिस्सा पी लो। क्रिमेशन ग्राउंड में बॉडी इज प्लेस्ड विद द हेड्स टू इट्स नॉर्थ। तीसरे दिन विलेज में सारे भील्स इकट्ठे होते हैं और अपने मुस्तैच यानी कि मूछें और बियर्ड्स इन सबको शेव करते हैं, जो कि क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, सब लोग नहीं करते हैं, जो कि करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको ये सब काम करना पड़ता है। 12वें दिन ये लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकिंग और मेरी मेकिंग का होता है दिन होता है, शूटिंग एरोज इन द ट्री फॉलोड बाय सिंगिंग एंड डांसिंग। और उस 12वें दिन के बाद एक साल तक जो मर गया है पर्सन, द डेड पर्सन, उसके लिए खाना और पानी ऑफर किया जाता है दिन भर में 2 बार, ठीक है। मतलब जब भी खाना बनेगा सुबह शाम, तो उस खाने में से, घर के लिए खाने में से थोड़ा खाना
जो मरा हुआ इंसान है उसके लिए अलग निकाला जाता है हर फेस्टिवल पे भी और हर दिन, ठीक है। और जो एंसेस्टर है, जो डेड एंसेस्टर है, उनको एक मेमोरियल स्टोन के से ये लोग कॉमेमोरेट करते हैं या उनको ऑनर करते हैं, ठीक है। सो अगर कंक्लूड करें भील ट्राइब के बारे में, तो भील जो है बहुत ही पुरानी ट्राइब्स हैं इंडिया की और बहुत ही लॉन्ग जर्नी इन्होंने देखी है। एक सब्सिस्टेंस इकोनॉमी से एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी तक जितना ट्रांजिशन हुआ है ये काफ़ी अच्छा है। ऐसा टाइम था ये लोग एकदम आइसोलेट रहते थे, बट अब ये लोगों में इन्वॉल्व होने लगे हैं, मेन स्ट्रीम में आने लगे हैं, ठीक है। और लॉलेसनेस से लॉ अबाइडिंग कम्युनिटी की तरह ये लोग कैसे इमर्ज हुए हैं बहुत ही कमेंडेबल है। सो बेसिकली हर ट्राइब या नॉन ट्राइबल ग्रुप के लिए एक सोशल कल्चरल आइडेंटिटी ज़रूरत होती है, ठीक है। सो कोई भी अगर चीज़ हम लोग को मिलती है, ऐसे हम लोग मानते हैं, ऐसे ही बोला जाता है कि काफ़ी सुपरस्टिशियस होते हैं, सो इट इज़ देयर मार्क ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन। ये चीज़ उनको बाकी कम्युनिटी से अलग बनाती है। सो कुल मिला के हम लोगों को उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि वो सुपरस्टिशियस हैं, वो ये करते हैं वो करते हैं। नहीं, ये इनकी ऐसी आइडेंटिटी है जो बाकी ट्राइब से, बाकी लोगों से इनको अलग बनाती है। और अगर इनके अंदर कोई अलग से कल्चरल एस्पेक्ट नहीं होंगे, एक यूनिक कल्चरल एस्पेक्ट नहीं होंगे, तो ये एक एथनिक ग्रुप या कल्चरल ग्रुप होंगे कैसे? ये तो फिर बाकी मेन स्ट्रीम लोगों की तरह हो जाएंगे, नॉर्मल पीपल की तरह। बेसिकली आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मूवमेंट चल रही हैं कि नेशनल स्ट्रीम में इनको साथ लेने के लिए, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है, रिलीजन शिफ्ट किया जा रहा है। और बेसिकली ये काम इसलिए किया जाता है ताकि इनकी जितनी भी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग ठीक कर सकें, उनको ओवरकम कर सकें। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया भील ट्राइब के बारे में। इस पूरे लेक्चर का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आगे भी मैंने ट्राइब्स वीडियो बनानी है, आप देखते रहिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।